हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीकैन को ब्लॉग। मैं हूँ सुदीपा और आज मैं वेट लॉस जर्नी की कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो चीज़ बहुत ही जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वेट लॉस तो हर कोई करना चाहता है, डाइट कंट्रोल करते हैं, सभी वर्कआउट भी कर रहे हैं, पर कुछ मिस्टेक्स जो होते हैं उसको ध्यान हम नहीं रखते हैं और इसकी वजह से हमेशा वेट गेन का गेन ही रह जाता है, लॉस तो बिल्कुल नहीं होता है। तो चलिए 6 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक तो ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका बॉडी टाइप कैसा है। एग्जैक्टली, बॉडी टाइप जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके बॉडी में कहाँ पे एग्जैक्टली वेट गेन होता है, जैसे कि थाइस पे होता है या फिर पेट पे होता है या फिर बैक के पोजीशन पे आपका ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। एग्जांपल, मैं पेयर शेप की हूँ और मैं अगर थोड़ा बहुत डाइट कंट्रोल नहीं करूँ तो मेरा वेट ज़्यादातर मेरे कमर की तरफ आ जाता है। सो इसीलिए मिरर के सामने खुद को अच्छे से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपका वेट एग्जैक्टली कहाँ पे ज़्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करके आप डाइट बनाइए, वर्कआउट कीजिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका वेट गेन एग्जैक्ट कहाँ पे हो रहा है, आप वर्किंग आउट कर ही जा रहे हैं और आपका पेट बढ़ा जा रहा है और आप वर्कआउट कर रहे हैं हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, सो इट्स नॉट गोना वर्किंग आउट। सेकेंड टिप्स ये है, खुद का खाना खुद बनाना चाहिए। बहुत से लोग खाने को अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, वो डाइट कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। डाइट कंट्रोल करना एक अलग चीज़ है, पर हर किसी का मेटाबॉलिज्म सेम नहीं होता है और डाइट भी उसके ऊपर डिपेंड करके होता है। सो इसीलिए खुद का खाना खुद बनाइए। खुद का खाना आप जब खुद बनाते हो, आपको पता चल जाता है कितना ऑयल आप उसमें डाल रहे हो, कितना नमक है, कितना शुगर है, और उसको अच्छे से मिला के आप एक टेस्टी फूड बना के, चाहे वो सलाद हो या फिर चिकन हो, एग हो, कुछ भी ले लीजिए, पर आप जब पता चल जाता है आपको कि हाँ हम यही खा रहे हैं, तो आप नॉर्मली उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से सेंसिटिवली हैंडल कर सकते हो। और इससे ज़्यादा अच्छा क्या होता है कि आपको पता है कि आप क्या खा रहे हो और किस किस जगह से आपका कैलोरी गेन हो रहा है, देन यू कैन कट आउट योर कैलोरी ईजिली। थर्ड मिस्टेक के बारे में मैं बात करूंगी, रात को खाना खाना। हाँ, लेट नाइट को बहुत से लोग डिनर करते हैं जो कि बहुत ही बुरी आदत है। आई प्रेफर टू टेक डिनर 6 to 7 o'clock एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक डिनर, पर बहुत से लोग 7 बजे तो करते ही नहीं हैं, 8 से भी ज़्यादा 9 बजे के वक्त डिनर करते हैं। और लड़कियां अगर ऐसा कुछ करें तो ट्रस्ट मी, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होने वाला है और मॉर्निंग तक अगर डाइजेस्ट नहीं होता है वो खाना आपका, आपको ब्लॉटिंग देगा, आपका पेट बढ़ा देगा, उससे गैस प्रॉब्लम हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी। और उससे ऐसा कभी कभी लगता है आप सुबह पे उठते हो, कुछ खाया तो नहीं है, फिर भी आपका पेट फूल चुका है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप लेट नाइट इनटेक करते हो, इसकी वजह से वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो ब्लॉटिंग क्रिएट कर देता है। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, रात को ज़्यादा लेट नाइट पे जाके खाना मत खाइए, 6 से 7 बजे के बीच खाना खा लीजिए। इससे फ़ायदा क्या है, 7 से 10 बजे तक सोने के पहले आप एक्टिव रहते हो, कुछ भी कर रहे हो, घर पर छोटा मोटा काम कर रहे हो या फिर वर्कआउट कर रहे हो, वॉकिंग पे जा रहे हो, आप एक्टिव रहते हो। क्योंकि आप 7 बजे के खाने के बाद आप सोने तो नहीं जाने वाले हो, तो इसकी वजह से आपका वो फूड जो है सोने से पहले डाइजेस्ट हो जाता है इजीली, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। फोर्थ मिस्टेक ये होता है कि आप वर्कआउट जब करते हो आप ज़्यादातर एसी के अंदर करते हो, ठंडे में कभी भी आपका वेट लॉस नहीं होने वाला है, आपको स्वेट करना है, गर्मी में ज़्यादा रहना चाहिए। जितना आप स्वेट करोगे उतना ज़्यादा आपका वेट लॉस होगा और बहुत ही जल्दी होगा। और एसी में रह के अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो कभी भी वो फैट लूज़ नहीं होने वाला है। व्हाट इज़ फैट? ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि फैट चीज़ क्या होता है। खाने से जो फैट आता है वो अलग फैट है, और ज़्यादातर जो फूल जाते हैं, कुछ बॉडी आप देखते हैं बहुत ज़्यादा फैट होते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा लगता है कि फूल चुका है बलून की तरह, इसका रीज़न यही है उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ होता है। इस पानी को कैसे निकाला जाए? जितना आप स्वेट करोगे उतना जल्दी वो पानी निकल जाएगा, ये पानी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। और इसको निकालने के लिए आपको बॉडी को वार्म रखना ज़रूरी है, और वार्म के लिए आपको एसी कम यूज़ करना है, जितना हो सके
गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी। मैं तो बिल्कुल गर्म पानी ही पीती हूँ। अगर गर्म पानी पीने से आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा बहुत नींबू और उसमें जिंजर मिक्स करके पी लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। ये नेचुरली आपको वार्म रखता है, आपके बॉडी से स्वेट निकाल देख रहा है, और ट्रस्ट मी, स्वेट से आप बहुत जल्दी फैट लूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है, चाहे वो आप एक्सरसाइज करिए या फिर वॉक करिए, पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, इससे आपका स्वेट होना चाहिए। अगर नहीं स्वेट होता है देन इट्स नॉट गोना वर्किंग आउट। 5 नंबर मिस्टेक्स जो है वो है, पोर्शन को आप कैलकुलेट नहीं करते हो। कैलोरी इंटेक के बारे में तो मैंने बताया है कि कुकिंग करने से आपको कैसे पता चल जाता है कि आप कितना कैलोरी खाते हो, तो यू कैन ईजिली काउंट दैट पॉइंट। बट पोर्शन का भी तो ध्यान रखना ज़रूरी है। मैंने लड़कियों को बहुत से देखा है, वो कैलोरी का ध्यान रखते हैं कि शुगर नहीं खाते हैं या फिर मीट्स नहीं खाते हैं, ऑयल भी कम खाते हैं, पर पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि राइस बहुत ले लिया या फिर नूडल्स बहुत ज़्यादा ले लिया, पास्ता जब खाते हैं तो पास्ता वन प्लेट पास्ता ले लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आपको पोर्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। एक पर्टिकुलर प्लेट लीजिए जो खुद का हो, छोटा साइज़ हो, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं। एक कटोरी लीजिए जिसमें आप सूप वगैरह खाते हो, उसका पोर्शन आप कर सकते हो उसमें। और एक स्पून लीजिए, जैसे कि स्पैचुला होता है ना जिससे आप सर्व करते हो फूड को, वैसा कोई स्पैचुला स्पून लीजिए, जिससे आप अच्छे से आपका पोर्शन काउंट कीजिए कि कितना पोर्शन आप खा रहे हो। वेजिटेबल्स ज़्यादा होना चाहिए, 1.5 बोल वेजिटेबल्स इज़ फाइन। राइस एक कटोरी से ज़्यादा नहीं, और उसके साथ चिकन ले सकते हैं थोड़ा बहुत, और श्रिम्प हो सकता है, कोई भी फिश हो सकता है। मैं कभी भी रेड मीट प्रेफर नहीं करती हूँ, रेड मीट से बहुत ज़्यादा फैट गेन होता है, सो आई डोंट सपोर्ट दैट। पर अगर आप रेड मीट खाना पसंद करते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, थोड़ा बहुत आप ले सकते हो, बट ऑलवेज कट आउट योर पोर्शन। लास्ट टिप्स जो मैं देने वाली हूँ वो शुगर के ऊपर है। जी हाँ, मैंने देखा है शुगर को कोई भी अपनी ज़िंदगी से नो बोल नहीं सकते, उसको ज़िंदगी से ना बोल दीजिए, बिल्कुल उसे हटा दीजिए, वो चाहिए ही नहीं। जैसे कि अगर चाय में हो, कॉफ़ी में हो, जूस में हो, किसी में भी शुगर नहीं चाहिए। शुगर को बिल्कुल गुड बाय कह दीजिए, खाने पे भी मत दीजिए, डेजर्ट पे भी मत दीजिए, कुछ भी मत दीजिए। कोई कोई लड़कियाँ कहती है मैं तो शुगर नहीं इंटेक करती हूँ, मेरे खाने में तो कोई भी शुगर स्वीट नहीं है, मैं रसगुल्ला नहीं खाती हूँ या फिर केक भी नहीं खाती हूँ। बट वो उसी लड़की को आप अगर देखेंगे तो मॉर्निंग में एक कप कॉफ़ी खा रही है, या फिर कैपेचिनो ले रही है, या फिर बाहर जाके फास्ट फूड ले रही है जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, सॉल्ट होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लेते हैं, कोको कोला हो गया, जूस हो गया, किसी भी मॉल पे जाते हैं वहाँ पे कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, मिल्क टी हो गया, तो इस हर चीज़ में शुगर है। शुगर चीज़ को आपको ना बोलना है किसी भी चीज़ से। आप ऐसी चीज़ खाइए जिसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है। फ्रूट्स में भी शुगर होता है तो फ्रूट्स भी कम खाइए, ज़्यादा फ्रूट्स खाएंगे तो उसमें भी बहुत शुगर है। जो मिठाई वाली चीज़ है उसमें जितना मिठास है उतना ही ज़्यादा कैलोरी है और उतना ही ज़्यादा वेट गेन है। सो अगर आपको वेट लॉस करना है तो इस चीज़ को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। मुझे 1 साल लगे है प्रैक्टिस करने में। कॉफ़ी हो या चाय हो, कोई कुछ भी चीज़ मैं लेती हूँ उसमें मैं शुगर नहीं देती हूँ। बिना शुगर का मेरा कॉफ़ी होता है या फिर टी होता है। और अगर आप नहीं कर सकते हो देन अप्लाई हनी, थोड़ा बहुत हनी से आपका फैट भी लूज़ होता है, ये अच्छी चीज़ है, बस ज़्यादा हनी अच्छा नहीं है, वो स्टमक के लिए अच्छा नहीं होता है। पर सुबह के टाइम पे चाय पे या फिर कॉफ़ी पे आप हनी दे सकते हो। आई होप इस मिस्टेक्स के बारे में मैंने जो डिस्कस किया है यहाँ पे, आप उसको अच्छे से कंसिडर करोगे और ध्यान रखोगे, ये सब चीज़ों को आप मेंटेन करोगे, ट्रस्ट मी इससे बहुत फ़ायदा है। मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया है, 2 बच्चों की माँ हूँ मैं, और पोस्टमार्टम में वेट लॉस करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मैंने अपने आप को 70 kg से फिर से 58 kg पे ला चुकी हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। और इस चीज़ों को मैंने एक रूटीन पे डाल चुकी हूँ, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल, हेल्थ, हर चीज़ को आप मेंटेन करते हो तो आपका वेट हमेशा मेंटेन रहे। अभी के लिए बाय बाय,
और मैं फिर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकती हो, वहाँ पे भी मैं हेल्थ लाइफस्टाइल फैशन के बारे में टिप्स देती रहती हूँ। अगर आपको फ़ोटो टैग करना है वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, मैं उसको स्पेशल मेंशन के साथ उसको पोस्ट करूँगी ऑफ कोर्स। सो सी यू अगेन विथ अनदर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।